वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बैच टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हर्ष आज आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या, कल हमने पार्ट वन के बारे में बात किया था, वॉलर अटेंडेंट फर्स्ट सेकंड क्लास इंटरव्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। कल के वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, ठीक है, वहाँ का बॉयलर का लाइटअप का प्रोसीजर क्या है, तो आपको बोलना है। तो वहाँ आपको क्या करना है, जो आप जैसे नॉर्मली आप बॉयलर को ऑपरेट करते हो वैसे ही आपको बताना है। तो जैसे कि पहले आप बॉयलर की क्लीनिंग करते हो, ठीक है, फिर उसका नॉजल टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद उसका जो जितने भी प्रेशर होते हैं, डीपी प्रेशर होता है, डिफरेंशियल प्रेशर, वो सब चेक करते हो। उसके बाद जो ड्रम का लेवल है वो मॉनिटर करते हो कि प्रॉपर है कि नहीं वाटर लेवल। फिर क्या करते हो, उसमें बेड का मटेरियल जो होता है वो फिल करते हो, फिर उसको फ्लूडाइज करते हो, ठीक है। फिर आप ये भी देखते हो कि जो ड्रम का वेंट है, ठीक है, वो ओपन है कि नहीं, ऊपर हीटर का वेंट है ओपन है कि नहीं। उसके बाद आप लोग अपना नॉर्मली बॉयलर ऑपरेट करते हो। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो बॉयलर है वो एमबीसी बॉयलर है, मतलब कौन सा बॉयलर पे आप काम कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ड्रम का एयर वेंट होता है, ठीक है, वो कितने प्रेशर पे खोला या बंद किया जाता है। इस क्वेश्चन में लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। दोस्तों जब भी हमें बॉयलर का शट डाउन करना होता है, यानी जब हम बॉयलर को कूल डाउन में करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे, ड्रम का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी जब हमारा प्रेशर 2 kg/cm², ठीक है, आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, बॉयलर का जो ड्रम होता है वो वॉल्व होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और उसी तरह जब हम बॉयलर को लाइटअप करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हमारे ड्रम का जो प्रेशर होता है, ठीक है, जब वो 2 kg/cm² के ऊपर चला जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा वॉल्व होता है, वेंट होता है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं ताकि हमारी स्टीम लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टीम होती है, ठीक है, वो 1600 टाइम्स होती है, ठीक है, मतलब वो ऑक्यूपाई ज़्यादा करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब वैक्यूम बन जाता है तो फिर जैसे जैसे हमारा स्टीम ठंडा होता है तो फिर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बॉयलर में सुपर हीटर का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपर हीटर इन बॉयलर। तो इसका जवाब है, सुपर हीटर का मतलब होता है जो सुपर प्लस हीटर, मतलब हीट का एक्सचेंज करना, ठीक है, हीट को एक्सचेंज करना। यानी कि हम लोग जो स्टीम होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सुपर हीटर में, मतलब उसका टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे बॉयलर का जो इकोनोमाइजर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा हीट एडिशन टेक्स प्लेस होता है, हीट हम लोग ऐड करते हैं वहाँ पे। कौन सी हीट होती है इकोनोमाइजर में, सेंसिबल हीट। और इकोनोमाइजर में क्या होता है, फेस रिमेन सेम होता है और टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। वहीं जो हमारा इवेपोरेटर होता है, ठीक है, इवेपोरेटर में क्या होता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इवेपोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन सेम, लेकिन फेस जो होता है वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमारा फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। और सुपर हीटर क्या होता है, सुपर हीटर मैंने पहले बता चुका हूँ, इसमें सुपर हीटर में सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, फेस रिमेन सेम होता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डी सुपर हीटर, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं अटेम्परेटर, मतलब ये क्या होता है। तो जैसे हमारा सुपर हीटर में हम लोग, ठीक है, हीट करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ठीक है, वाटर का स्प्रे करके, तो उसको हम लोग अटेम्परेटर बोलते हैं। हम लोग स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं या फिर स्टीम का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे फीड चेक वॉल्व को किस लाइन पे लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, फीड वाटर पंप के डिस्चार्ज लाइन पे लगाया जाता है।